से खड़ी हुई तमाम कॉलोनियों पर जेसीबी चलाई गई। मथुरा वृंदावन विकास प्राधिकरण द्वारा थाना जमुनापार क्षेत्र के बलदेव रोड सुखदेव नगर के समीप सियोरा मार्ग पर अनाधिकृत रूप से विकसित अवैध कॉलोनियां ध्वस्त किए जाने की कार्यवाही बुलडोजर द्वारा की गई, जिसमें अवैध रूप से बनी कॉलोनियों को बुलडोजर के द्वारा ध्वस्त कराया गया। ध्वस्तीकरण की दृष्टि से स्थल संवेदनशील होने के कारण जिलाधिकारी द्वारा स्थल पर शांति सुरक्षा बनाए हेतु डिप्टी कलेक्टर राजीव उपाध्याय को मजिस्ट्रेट नामित किया था। सिहोरा मार्ग पर राजू चौधरी द्वारा 2 एकड़ जमीन व जुगेन्द्र सिंह रावत एवं धर्मेंद्र सिंह रावत द्वारा 3000 वर्ग गज भूखंड पर सड़कों एवं भूखंडों का विकास करते हुए अवैध कॉलोनी का विकास कर लिया। 1 मार्च 2021 को उक्त दोनों अवैध कॉलोनियों को ध्वस्त किए जाने का आदेश अधीक्षण अभियंता मथुरा वृंदावन विकास प्राधिकरण द्वारा पारित किया गया था। उक्त निर्माण स्वयं हटाए जाने पर ये दोनों अवैध कॉलोनियों को डिप्टी कलेक्टर राजीव उपाध्याय के नेतृत्व में अधिशासी अधिकारी कौशलेंद्र चौधरी, अवर अभियंता अशोक चौधरी, सुनील शर्मा, मनीष तिवारी की उपस्थिति में ध्वस्त कराया गया। ललित उपाध्याय, मथुरा, समाचार 24। मथुरा के कोसी